सुबह सुबह मिलिंद और अक्षरा ने ड्यूटीज ना करने का लिया फैसला। अनफेयर जो उनके साथ हुआ है उसके लिए एक तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने प्रतीक से किया साफ कि वो नहीं करेंगे कोई भी ड्यूटी, चाहे उनके लिए कोई भी पनिशमेंट, कोई भी दंड को इलेक्ट कर लिया जाए। आखिर क्या है ये पूरी खबर जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल प्रतीक और नेहा ने बॉसमैन बॉस लेडी बनते ही ड्यूटीज का जो बांटने का काम होता है वो शुरू किया। ड्यूटीज बांट दी गई, जिसके बाद जो भी ड्यूटी नहीं करेगा या कोई भी तरीके की हरकतें करेगा उसको दंड स्वरूप चाय नहीं मिलेगी, यानी कि उनकी चाय पत्ती का सप्लाई बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद दिव्या अग्रवाल कहीं ना कहीं इस बात से काफी नाराज नजर आई कि उन्होंने लोगों को हाथ में चाय बनाकर पिलाई है और ये लोग उन्हीं की चाय बंद कर देना चाहते हैं अगर वो काम नहीं करती हैं तो। फिर यहां पर मिलिंद और अक्षरा साथ ही दिव्या ने ये चीज डिसाइड की कि जब उनके साथ कल अनफेयर हुआ है उनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, उनकी बात को किसी ने नहीं समझा और उनके साथ अनफेयर कर लिया गया कन्वीनियंटली, तो आज वो ड्यूटीज नहीं करेंगे क्योंकि जिनके कैप्टन है वो उनसे ड्यूटी करवाएं। अक्षरा, मिलिंद और दिव्या कोई भी ड्यूटी नहीं करने वाले हैं। जिसके बाद मिलिंद जाकर प्रतीक से ये साफ कर देते हैं कि वो कोई भी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे और प्रतीक उन्हें बहुत समझाते हैं कि ये घर सबका है, ड्यूटी वो खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है और ऐसे करके कई सारी चीजें जो है समझाते हैं। लेकिन मिलिंद यहाँ पे साफ कह देते हैं कि उनको लगा घर में बहुत अनफेयर हुआ है, उसके खिलाफ वो स्टैंड ले रहे हैं और उसके खिलाफ अगर स्टैंड लेने के लिए उनका खाना भी बंद कर दिया जाए, इवन पानी भी बंद कर दिया जाए, तो भी वो स्टैंड पर अपने खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। ही डजंट केयर इफ ही डजंट गेट फूड, ही डजंट केयर इफ ही डजंट गेट टी, आपको जो बंद करना है कर दीजिए लेकिन वो काम नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे। तो भाई यहां पर मिलिंद और अक्षरा ने साथ में दिव्या ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए आप सभी लोगों का क्या है रिएक्शन जल्दी से लिख दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। बाकी मैं चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए और भी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।